दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय एडिफाई स्कूल छतरपुर। थिंक बियॉन्ड। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस बीमारी से लोगों की सांसें थम रही हैं। हालात इतने खराब हैं कि लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा। अगर सिलेंडर मिल भी गया तो सिलेंडर के ऊपर लगने वाला फ्लो मीटर ना होने से लोग अपनों की जान बचाने फ्लो मीटर खोजते दिख रहे हैं, लेकिन फ्लो मीटर नहीं मिल रहा। इसके अभाव में कई जिंदगियां, कई परिवारों के चिराग उनकी आंखों के सामने तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा बैठे। लगातार इसकी कमी को देखते हुए बुंदेलखंड के जाने माने और छतरपुर के गौरव डॉक्टर एमपीएन खरे ने डॉक्टर अरविंद शुक्ला के टेक्निकल सुझाव से वहीं पर काम करने वाले राजकुमार पटेल और राधेश्याम सोनी की मदद से एक फ्लो मीटर बनाया, जो बेहद कारगर साबित हो रहा है। डॉक्टर एमपीएन खरे ने बताया कि फ्लो मीटर न मिलने पर ये डिवाइस कारगर है, इससे कोई नुकसान नहीं है। जानकारी के मुताबिक ये फ्लो मीटर उनके द्वारा मरीजों को निशुल्क दिया जा रहा है। अभी कोरोना के समय हमारे यहाँ बहुत मरीज आ रहे थे और कुछ तो बेचारे रोते हुए आते थे कि साहब सिलेंडर तो हमने किसी तरह से जुगाड़ कर लिया है, लेकिन रेगुलेटर या उसका जो फ्लो मीटर कहलाता है जिससे ऑक्सीजन पेशेंट के शरीर में जाती, वो नहीं मिल रहा है। बाज़ार में भी उपलब्ध नहीं है, जो इक्का दुक्का उपलब्ध हैं वो भी औने पौने दामों पर मिलते थे। तो ऐसे बैठे बैठे एक दिन दिमाग में आया कि एक वीडियो देखा था जिसमें कि एक तरीका बताया था, तो उसको थोड़ा सा और हमने इम्प्रोवाइज किया, सुधारा। तो जो नॉर्मल अपनी जो सिरिंज रहती है इसको ऑक्सीजन सिलेंडर में अटैच करके और इसमें एक अंडर वाटर सील का कनेक्शन देके, जो कि बच्चों में एक म्यूकस निकालने वाला छोटी सी डिवाइस रहती है, 25-50 रुपये की आती है, तो उसको उसमें अटैच करके एक फ्लो मीटर बनाया हमने, जो कि प्योरली कहा जाए तो एक जुगाड़ कहना चाहिए, लेकिन इतना उपयोगी सिद्ध हुआ है ये। हमने पहले अपने मरीजों पे टेस्ट किया, उसमें देखा कि जो स्टैंडर्ड फ्लो मीटर है उससे ऑक्सीजन कितना बढ़ रहा है, फिर उसको अपना जो ये जुगाड़ वाला बनाया है इससे करके देखा, तो रिजल्ट दोनों में एक जैसे मिले हैं। फ़ायदा ये है कि एक तो सस्ता है, दूसरा एटलीस्ट मरीज की जान बच रही है उससे। सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि एक स्टैंडर्डाइजेशन इसमें नहीं है, तो हमारे जो टेक्निकल सहयोगी हैं डॉक्टर अरविंद शुक्ला हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, तो उन्होंने भी अपने जो पूरे एनेस्थीशिया के पैरामीटर्स होते हैं उस पर उन्होंने उसको चेक किया और उसके बाद बतलाया कि नहीं, इसमें कोई नुकसान नहीं है, मरीज को फ़ायदा ही फ़ायदा है, इट इज़ एज गुड एज नॉर्मल फ्लो मीटर। आजकल लोगों को ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल जाता था लेकिन फ्लो मीटर नहीं मिलता था, जिससे बहुत लोग परेशान थे और कोई ना कोई हमारे राधे श्याम जी के पास फ़ोन आता था, डिवाइस चाहिए चाहिए हमें, वो चाहिए, फ्लो मीटर नहीं मिल रहा है। तो इन्होंने सर से बोला, सर ने उस डिवाइस को कुछ टेक्निकल उससे एक डिवाइस तैयार की है, उसमें हमसे बोला कि थोड़ा सा इसमें सुधार करो कुछ, तो इसको बिल्कुल ऑक्सीजन फ्लो मीटर की तरह ही डिवाइस बनाई है जो बहुत अच्छे से काम कर रही है और इसको हम लोग हमारे राधे श्याम जी के सहयोग से निःशुल्क सरकारी अस्पताल में मरीजों को बांट रही है, जिसको ज़रूरत है तो हमारे पास से यहीं से ले जा रहा है। रोजाना बनाते हैं, रोजाना 10 से 15 डिवाइस बांटते हैं हम लोग, निशुल्क बांटते हैं। अभी तक कितने लोगों को लगा? अभी 3 दिन से हम लोग बांट रहे हैं। पहले दिन हमने 5-6 डिवाइस बांटी हैं, दूसरे दिन 8 से 10, और आज भी 2-3 लोग ले गए और एक तो अभी आए थे जिनका सिलेंडर चल नहीं रहा था, तो वो हमारे पास आए, बोले इसको क्या करना है, तो हमने उसको देख के चालू करके उनको अस्पताल भेजा दिया है। एक तरफ जहां ऑक्सीजन के अभाव और ऑक्सीजन में लगने वाली नोजल के अभाव के कारण कई मरीजों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं छतरपुर के डॉक्टर एमपीएन खरे के द्वारा, जो कि सर्जिकल हैं, इनके द्वारा एक डिवाइस तैयार की गई है जिसमें नोजल का काम वह डिवाइस करेगी। छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।